वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी बैच टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हर्ष एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। AFM का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर। ठीक है, अगर आप इस रोल के लिए अप्लाई करते हो या फिर अगर इंटरव्यू देने आते हो तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। जो मैं बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये वीडियो को पूरा देख के जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मली हमारा इंटरव्यू का टाइमिंग होता है, ठीक है, जो वो 15 से 20 मिनट का ही इंटरव्यू होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपसे सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो आपको क्या बोलना है? आपको अपना नाम बताना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना है, फैमिली का बैकग्राउंड बताना है, आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है वो बताना है, और आप किस शहर से हो उतना बताना है। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो वो पूछते हैं अगर आप AFM की पोस्ट के लिए आए हो तो उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको बोलना है जो AFM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पहले सिक्योरिटी, सेफ्टी और क्लाइंट कंप्लेंट्स, ठीक है, और सॉफ्ट सर्विसेज, जो भी एम्प्लॉई आ रहा है उसका पूरा रिपोर्ट रखना, ध्यान रखना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में आपने काम किया है, तो आप बता सकते हो आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग में काम किया है, रेजिडेंशियल में किया है, मॉल्स में किया है, हॉस्पिटल्स में किया है, तो उसके बारे में आपको थरो पढ़ के जाना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में काम किए हो और वो कौन सी बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी रिपोर्टिंग किसको होती है? जब आप ड्यूटी पे रहते हो तो आप किसको रिपोर्ट करते हो जो भी प्रॉब्लम आती है? तो उसमें आप बता सकते हो कि हमारी रिपोर्टिंग होती है FM मतलब फैसिलिटी मैनेजर को। ठीक है, पहले फैसिलिटी मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर होता है, उसके बाद साइट इंजीनियर होता है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो उनको। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो उस बिल्डिंग के बारे में बताइए, तो आपको क्या क्या बताना है वहाँ पे। अगर आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें कितने टावर हैं, ठीक है, उसका एरिया कितना है, मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट है, 10 लाख स्क्वायर फीट है, वो कितना है, उसमें कहाँ कहाँ पे आपके HVAC सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या क्या है, फायर हाइड्रेंट कहाँ कहाँ पे लगे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के हैं वहाँ पे, कौन से ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाउस कीपिंग क्या काम करती है, हाउस कीपिंग कितने हैं, क्लाइंट्स और ऑक्यूपेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए AFM के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बन सकता है अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो HVAC सिस्टम लगा होता है, ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, वो कितने, उसका साइज क्या है और कौन से कंपनी का है, तो आप बता सकते हो नॉर्मली 640R के 3 लगे हैं, डैकिन का है, ब्लू स्टार का है, या फिर और भी कोई कंपनी आप जो आपको याद हो वो आप बता सकते हो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग को कंपनी का नाम ध्यान नहीं होता है, तो आपको उस टाइम जो भी याद आता है आप वो बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, उनका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आप अगर हाउस कीपिंग का डिपार्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे कौन सी मशीन लगी हुई है और वो उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हो, तो आपको बताना है वहाँ पे टस्की कंपनी का मशीन लगा हुआ है और टस्की का स्क्रबर भी लगा हुआ है, उसमें जो केमिकल यूज करते हैं हम लोग वो R1, R2, R5, R9 ये केमिकल के नेम होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसका फंक्शन होता है, जैसे कि कुछ स्केलिंग के लिए हो गया, कुछ अल्कासाइड के लिए हो गया, कुछ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है DMR और MMR क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों नॉर्मली जो FM होता है, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, DMR मतलब डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये उनको मेंटेन करना होता है। इसमें क्या क्या हो गया, इसमें आपकी वाटर की रिपोर्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का रिपोर्ट हो गई, बिल का रिपोर्ट हो गया,
कि मतलब वाटर कहाँ कहाँ जा रहा है, कितने क्वांटिटी में उसकी रीडिंग सारा मेंटेन करते हैं वो रीडिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट में। MMR क्या होता है? मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें AMC होते हैं और भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सारे पॉइंट्स होते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बिजली गई है। तो ये जो दोनों रिपोर्ट होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये नॉर्मली FM या फिर AFM वही इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कितने तरह के वाटर के फ्लो मीटर लगे होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पहले तो पूछ सकते हैं कितने तरह के फ्लो मीटर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मैकेनिकल फ्लो मीटर हो गया, अल्ट्राफोनिक फ्लो मीटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर हो गया, और एक हो गया वर्टेक्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर, ठीक है। और अब वो पूछ सकते हैं जो हमारा कूलिंग टावर होता है यहाँ पे, ठीक है। कूलिंग टावर 200 TR 180 TR के लगे होते हैं, उसके केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। केमिकल के आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नंबरिंग बता देते हैं, Sukam 380 Sukam 390। तो दोस्तों हर कंपनी का अलग अलग कोड होता है, अलग अलग नाम होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा स्केल इनहिबिटर हो गया, क्रोजन इनहिबिटर हो गया, और एल्गीसाइड या फिर बायोसाइड केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्गीसाइड और बायोसाइड केमिकल होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मली ब्रोमीन होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा स्केल इनहिबिटर क्या होता है, सल्फेट हो गया। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों हर कंपनी में दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है मैन्युअली होता है, एक होता है ऐप बेस। तो मैन्युअली में क्या होता है, वो आपको क्या करते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, आपका एक ऑफिस बना होता है, वहाँ पे एक इंजीनियर बैठा होता है, वो सारे क्लाइंट को रिपोर्ट जो जो आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो उसको नोट करता है और फिर क्या करता है, उस जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल का जो भी सुपरवाइजर होता है उसको भेजता है काम करवाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो एक पेज बनाता है जिसमें कि जो कंप्लीट रेस करते हैं उनका क्या करता है, वो सिग्नेचर लेता है काम होने के बाद। ऐप बेस में क्या होता है, ऐप बेस में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो कंप्लेंट को रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो मेल आता है, फिर आप उस पर काम। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, तो आप बता सकते हो। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि ऊपर ग्रोथ के लिए मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बोलेंगे कि अगर मैं 2000 बढ़ाता हूँ तो आप मेरे पास आते हो, अगर कोई और 2000 बढ़ा देगा तो आप वहाँ भाग जाओगे। तो आपको बोलना है सर मैं, तो उसमें आपको बोलना है सर मैं अभी घर से काफ़ी दूर हूँ और मेरे फादर मदर और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से मैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो इससे मेरा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी अपने फैमिली को दे पाऊँगा। आपको ऐसे ही बोलना है। अब वो अगला क्वेश्चन होता है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है। तो आपको सैलरी बताना नहीं है कि 5 लाख का पैकेज या 6 लाख का पैकेज, आपको सीधे बोलना है एज पर कंपनी पॉलिसी जो भी आपका स्टैंडर्ड है हम उसके हिसाब से मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा और जो भी आपकी पॉलिसी है 5%, 15%, 10% मुझे वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम इनका अगला क्वेश्चन जो बनता है,